एमएस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव को इंडियन क्रिकेट फैंस हीरो की नजर से देखते हैं और कई लोग तो इन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं। पर कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अपना योगदान इन लेजेंड क्रिकेटर से कम नहीं दिया, और शायद वो नहीं होते तो इंडियन टीम के पास ना तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी होती ना ही T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। पर उन्हें वो क्रेडिट कभी मिला ही नहीं जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन लेजेंड प्लेयर्स के फेम के कारण हमारे कुछ अनसंग हीरोज की छवि दब जाती है और लोग उनका जिक्र तक नहीं करते। तो क्रिकेट स्टफ लेकर आया है इंडियन क्रिकेट के अनसंग हीरोज के बारे में। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर नाम से गंभीर तो है ही, पर पर्सनालिटी से भी। और गंभीर अपने परफॉर्मेंस के लिए कम और अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज जैसे विराट कोहली के साथ फाइट, फील्ड पर उनका आक्रामक रवैया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहे वो फील्ड पर हो या टीवी पर। पर क्या गौतम गंभीर की इमेज यहीं तक है? नहीं, वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में 97 रनों की पारी ना होती तो शायद इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप जीत ना पाती। बेहद कम स्कोर पर 2 विकेट गिर चुका था और चेस करना था 275 रन। MS धोनी जो 91 रनों की 23 तरार पारियां खेल पाए उसके पीछे भी गौतम गंभीर का ही हाथ है। और 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 75 रनों की शानदार पारी खेलने वाले गौतम गंभीर ही थे, पर मैन ऑफ द मैच इरफान पठान को दे दिया गया। सिर्फ यही 2 मैचेस में ही नहीं बल्कि विराट कोहली से पहले बैटिंग ऑर्डर के फर्स्ट ऑन पोजीशन को गंभीर ने बहुत अच्छे से सिक्योर कर रखा था। और ये भी नहीं भूला जा सकता कि गंभीर 2 बार IPL ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, पर फैंस उन्हें तो बस एंग्री मैन के नजर से ही देखते हैं। और गंभीर अपने बेबाक बयानों और विराट कोहली से फाइट के लिए आज वो एक हीरो कम और एक आलोचक ज्यादा बन चुके हैं। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है सुरेश रैना। अचानक IPL से गायब हुए सुरेश रैना का आज कोई जिक्र तक नहीं करता। इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डिंग को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सुरेश रैना का बहुत बड़ा हाथ था। सिर्फ फील्डिंग ही नहीं बल्कि T20 में रैना ने इंडियन क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचाया। फिर भी रैना को इन सब चीजों का क्रेडिट मिला ही नहीं। क्या आपको पता है सबसे पहला T20 100 लगाने वाला भारतीय प्लेयर कौन है? वो है सुरेश रैना। IPL में चेन्नई सुपर किंग वो चेन्नई सुपर किंग ना होती जब सुरेश रैना ना होते। साथ में ये पहले ऐसे भारतीय भी बने जो तीनों फॉर्मेट 100 बनाया हो। IPL में CSK की एक बेहद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर सुरेश रैना का नाम तब गिरने लगा जब CSK को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया और रैना के कैप्टेंसी में एक नई टीम बनी, गुजरात लायंस। पर 2 सालों के बाद CSK टीम की वापसी हुई, पर एक प्लेयर की वापसी नहीं हुई, वो थे सुरेश रैना। रैना के एफर्ट्स को ना ही फैन याद करते हैं ना ही उन्हें उतना क्रेडिट दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है अजीत अगरकर। नए क्रिकेट फैंस आज अजीत अगरकर को जानते तक नहीं है। 1998 में डेब्यू करने वाले अगरकर ने इंडियन फास्ट बॉलिंग को नए ऊंचाई तक ले गए। जहां ऑस्ट्रेलिया के पास मैकग्रॉ थे, इंग्लैंड के पास जेम्स एंडरसन, वहीं इंडिया के पास थे अजीत अगरकर। उनकी पेस तो ज्यादा नहीं थी पर उनकी स्विंग और एक्यूरेसी इतनी कमाल की थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रॉ से कम नहीं थे। सबसे कम मैचेस में 200 विकेट लेने वाले सबसे पहले प्लेयर अगरकर ही थे। पर आज अगर फेमस इंडियन बॉलर की बात होती हो तो लोग अजीत अगरकर को भूल जाते हैं। तो ये थे इंडियन क्रिकेट के 3 अनसंग हीरोज। अगर आपकी राय में कोई और प्लेयर्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।